जी, टाइप्स ऑफ अश्योरेंस सर्विसेज, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ अश्योरेंस सर्विसेज आ जाती हैं। हमारे पास सबसे पहले आ जाता है पॉजिटिव अश्योरेंस। पॉजिटिव अश्योरेंस क्या है जनाब? देखें, ऑब्वियस ये ऑडिट ही होता है, ठीक है। इसको हम लोग पॉजिटिव अश्योरेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डिटेल्ड प्रोसीजर्स होता है, ठीक है। इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये एक वर्म्स आई व्यू है। वर्म्स आई व्यू है कि इतना डिटेल्ड होता है, अंदर तक देख रहा होता है, बहुत डिटेल में जा रहा होता है, इसलिए इसको हम वर्म्स आई व्यू भी कहते हैं। और इसकी देखें जो वर्डिंग होती है, जब ऑडिटर ओपिनियन देता है, तो कुछ इस तरह देता है कि बेस ऑन आवर ऑडिट दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स, ठीक है जी। इसलिए जनाब इसको हम लोग पॉजिटिव अश्योरेंस भी कह रहे होते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास सेकेंडली आता है रिव्यू इंगेजमेंट, या रिव्यू अश्योरेंस आप कह लें, इसको कहा जाता है रिव्यू इंगेजमेंट, यहाँ लिख देते हैं। अच्छा जी, अब रिव्यू एंगेजमेंट जो है, इसका दूसरा नाम है नेगेटिव अश्योरेंस। क्यों भाई इसको नेगेटिव अश्योरेंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये लेस डिटेल्ड होता है। ये क्या होता है जनाब? लेस डिटेल्ड होता है। अच्छा, इसके बारे में कहा जाता है कि ये बर्ड्स आई व्यू है, यानी कि ये ऊपर ऊपर से चीजें देख रहा होता है। अच्छा, और इसका जो ओपिनियन होता है, इसका जो ओपिनियन होता है वो कुछ इस तरह होता है कि वो दे रहा होता है ओपिनियन इसका कुछ इस तरह से कि भाई नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन दैट कॉज अस टू बिलीव कहाँ से होता है ना।